आखिरकार टोक्यो ओलंपिक्स में अपना गोल्डन डे आ ही गया। 7 अगस्त 2021 इस दिन का इतिहास लंबे समय लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा, क्योंकि इस दिन हरियाणा के एक मुंडे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम करता। मैं गल कर रहा नीरज चोपड़ा की, जिसने जैवलिंग थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला सुट के नाल के खिलाड़ियों पिछे छड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैं जो जैवलिंग थ्रो का मैच देख रहा है, जितने तो बाद खुद को इतना गर्व फील होया, मैं खुद को यह महसूस होया कि सानू सारे हिंदुस्तान क्रिकेट तो इलावा बाकी गेमों वाले भी ध्यान देना चाहिए है, ताकि नीरज चोपड़ा वर्गे होर खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकन।